हेलो फ्यूचर ब्लॉगर्स, क्या हाल चाल है? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. एवरीवन इज फिट एंड फाइन, हेल्दी वेल्दी, सब कुछ मजे में चल रहा हो. तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि जो आप सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा या टॉपिक जो आपको मिलेगा ब्लॉग्स लिखने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे आप कंसिस्टेंट जो है ब्लॉग लिख सकते हो. तो क्योंकि जो ब्लॉग्स है, इट इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, और लिखने के लिए आपके पास जो टॉपिक होने चाहिए, और वो टॉपिक जो है शुरू में इनिशियली तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग करने जाते हो, इनिशियली आपके दिमाग में कुछ टॉपिक्स होते हैं और आप धड़ाधड़ उस टॉपिक को लेकर कुछ आर्टिकल्स लिख देते हो. 10 से 15, 20, 30 कुछ भी आर्टिकल हो सकते हैं. उसके बाद क्या होने लगता है, लॉन्ग टर्म में यू रन आउट ऑफ आइडियाज, यानी आपके पास आइडियाज जो है थोड़े से कम होने लगते हैं. आपको लगता है यार मैंने सब कुछ तो लिख दिया है ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आप स्टक हो जाते हो पूरी तरह, और धीरे धीरे जो आप है आपकी कंसिस्टेंसी है लिखने की कम हो जाती है, और वहां से आपका जो है ट्रैफिक वगैरह आना बंद हो जाता है आपकी ब्लॉगिंग पे. और धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंसी लूज कर जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है या फोकस है वो भी लूज हो जाता है. तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से तरीके हैं जहाँ से आप जो है नए नए टॉपिक ढूंढ सकते हो. तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमेशा आप वो उस टॉपिक के बारे में लिखो जिसके आप जो है सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हो. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ, मैं IT में काम करता हूँ, तो मैं IT के बारे में बहुत सी चीज़ें लिख सकता हूँ और मेरे को बहुत ही ईजिली नया टॉपिक मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकता हूँ, फिर जो IT इंडस्ट्री के बारे में लिख सकता हूँ, IT में जॉब्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में लिख सकता हूँ, IT में जो इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं उसके बारे में लिख सकता हूँ, कौन सी IT टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं उसके बारे में लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन. ठीक है, नया नया जो टॉपिक है मेरी फील्ड में आता रहता है. ऐसे ही आप जिस फील्ड के सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो आपको आपके पास बहुत से कंटेंट होंगे उसके रिगार्डिंग लिखने के लिए, या आप उसी से अराउंड जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिख सकते हैं. इसके अलावा जो है नेक्स्ट है, वो आपको जाना है कोरा. जैसे कोरा वेबसाइट है, कोरा पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स भी होते हैं. तो क्वेश्चन से क्या होता है, आपको पता चलता है किस टॉपिक पे यार मैं लिख सकता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लिखते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में, तो ब्यूटी प्रोडक्ट का अगर आप कोरा पे सर्च करोगे, तो आपको कम से कम हजारों ने मतलब हजारों या हो सकता है लाखों क्वेश्चन उस पर मिलेंगे. तो वो सारे क्वेश्चन से और जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उसके जो टॉप आंसर्स होते हैं, तो जो टॉप पे वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एंगेज, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा एंगेज्ड थे, तो वो जो क्वेश्चन है, अगर आप वो टॉपिक इंटरेस्टेड है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो उस टॉपिक के बारे में जो आप लिखना शुरू कर सकते हो. अगेन कुछ भी आप लिखते हो, उससे पहले आप जो है उन आंसर्स वगैरह को भी देख सकते हो, और उससे थोड़ा बहुत और भी आपको आइडिया मिल जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि आंसर से कुछ नया टॉपिक निकल के आता है. तो कोरा जैसी जो वेबसाइट है टॉपिक वगैरह के लिए आपको बहुत हेल्प करती है. इसके अलावा जो है आप जो सोशल मीडिया की पावर है उसको यूज़ कीजिए. तो जैसे वेबसाइट हो गया आपका, रेडिट हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, ये सब पे जाके भी काफ़ी ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें लोग नए नए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जहाँ से आपको आइडिया लग सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉगिंग का ही ले लें, तो ब्लॉगिंग के फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं. तो उन ग्रुप्स पे अगर मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो उन क्वेश्चन से बेसिकली मेरे को आइडिया पता चलता है, ओके मैं इस टाइप का टॉपिक भी लिख सकता हूँ. तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है नए नए टॉपिक्स ढूंढने का या नए नए टॉपिक्स लिखने का. इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये सारी जगह से कहीं भी आपको नया टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसमें से देखिए सबसे ज़्यादा जो एंगेजमेंट है वो कहाँ पे आ रहा है, कौन से टॉपिक का जो कंटेंट है जो लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं. और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एनालिटिक्स जो होता है उससे आपको मिल जाएगी कि कौन से पोस्ट पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, कौन से पोस्ट पे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें. तो आप यानी कि वो जो कंटेंट है आपका, वो जो पोस्ट है या वो जो आर्टिकल है जो आपके रीडर्स हैं, वो उस टाइप का कंटेंट जो है वो ढूंढ रहे हैं. तो आप कोशिश कीजिए उसके अराउंड जो है वो लिखना, उस टॉपिक के अराउंड जो है लिखना शुरू कीजिए, या अगर आपने ऑलरेडी लिख रखा है तो उस टॉपिक को अपग्रेड कीजिए. जो नई नए अगर कुछ नया ऐड हुआ है उस टॉपिक में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए और एक नया आर्टिकल क्रिएट कीजिए. और उसके बाद भी अगर आपके पास आइडियाज़ कम पड़ रहे हैं, तो सबसे अच्छा वे ये है कि आप डायरेक्टली जो आपके रीडर हैं उनसे पूछिए कि नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि आप आर्टिकल पढ़ें. ठीक है, तो आप जो है काइंड ऑफ फीडबैक ले सकते हैं अपने रीडर से, कि आप कौन रीडर से पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में वो डिटेल में जानना चाहते हैं. तो उससे आपको बहुत सारा फीडबैक आएगा. बहुत से इनफैक्ट आप देखोगे जो इनफैक्ट यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो टॉपिक वगैरह अपने ऑडियंस से मांगते हैं, क्योंकि ऑडियंस है जो कि उनका कंटेंट कंज्यूम कर रही है,
और वहां से उनको आइडिया आता है, ठीक है मैं इस टाइप के जो वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों आई थिंक ये जो तीन चार चीजें हैं इससे जो आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं पड़ने वाली है, कभी भी आपको टॉपिक की कमी नहीं पड़ने वाली है। स्पेशली अगर कोरा इतना पावरफुल है कि मुझे कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं कोरा के क्वेश्चंस पढ़ता रहूँ तो मुझे मतलब आइडियाज़ पे आइडियाज़ आते रहते हैं और हजारों टॉपिक्स मिल जाते हैं जिसके बारे में आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो ये तो दोस्तों उनके लिए हो गया जो खुद से आर्टिकल लिखते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो कि ब्लॉगिंग करते हैं बिजनेस के लिए, उनके पास उनको खुद में कोई पैशन नहीं है या उनको लिखने का शौक नहीं है, लेकिन वो ब्लॉगिंग को एज अ बिजनेस कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, उनको हायर करना पड़ेगा कंटेंट राइटर, और कंटेंट राइटर जो है उसके पास या तो वो खुद का दिमाग लगाएगा कि कौन से टॉपिक पे कंटेंट लिखे, या फिर क्या होगा आपको उसको कंटेंट या कंटेंट के टॉपिक्स उनको देने पड़ेंगे और उसके बाद कंटेंट राइटर कंटेंट लिखेगा। तो कंटेंट टॉपिक ढूंढने के लिए या कंटेंट राइटर ढूंढने के लिए आप जो है प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो फ्रीलांसर्स वगैरह के, जिसके लिए आप फाइवर पे जा सकते हो या जो है freelancer.com पे जा सकते हो। तो जो एज अ बिजनेस कर रहे हैं, जिनको खुद लिखने का शौक नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि कोई जो रिसर्चर है या कोई फ्रीलांसर है वो नए नए टॉपिक ढूंढ के लाता रहे उस नीश में जिस पे वो कंटेंट लिख सके या कंटेंट लिखवा सके, तो उस केसेस में जो है आपको फ्रीलांसर या फाइवर वगैरह जो ऐसी सर्विसेज हैं उसको अवेल करना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा गैप डाल दिया और जो नया टॉपिक वगैरह नहीं लिखा है। ये उसके लिए बता रहा हूँ जो कि इसको एज अ बिजनेस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उसको अगर एज अ बिजनेस ले रहे हैं तो उनको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा उस बिजनेस में, और जो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर अवेलेबल रहते हैं वहाँ से उनको बहुत ही इजीली हेल्प वगैरह मिल सकती है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके ब्लॉगिंग करियर को आगे बढ़ाने में।